सभी साथियों को नमस्कार। इस वक्त एक और बड़ी हैरान करने वाली ताज़ा खबर सामने आ रही है। देर रात कार सवार युवक ने एक नाबालिग को अपहरण करने की कोशिश की। नाबालिग का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती कार में बैठाने पर नाबालिग ने हल्ला मचा दिया, जिससे आसपास के लोग एकत्रित हो गए। नाबालिग ने पूरी घटना बताई तो गुस्साई भीड़ ने आरोपी को उसकी कार में बंद कर उसमें आग लगा दी। चलिए क्या है पूरा मामला, देंगे इस खबर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से। दरअसल बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गल सईद थाने के पास बिजली घर की ये घटना बताई जा रही है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक रात 11 बजे सड़क किनारे वैगनार कार खड़ी हो गई थी। पड़ोस में रहने वाले दो नाबालिग उस समय सड़क पर टहलने के लिए गए थे, तभी कार सवार ने आवाज़ देकर एक को बुलाकर 500 रुपये दिए और गुटखा लाने को लिए कहा। उधर नाबालिग के दुकान से गुटखा लेकर जब आरोपी के पास पहुंचता है तो आरोपी उसे पैसे को लालच देकर कार में बैठने और कुछ गंदे काम करने के इशारे करता है। हालांकि नाबालिग के वहां से चला जाता है, लेकिन उस नाबालिग के दूसरे साथी को वो कार सवार युवक पकड़ लेता है, जबरदस्ती कार में बैठाने की कोशिश करता है। किशोर किसी तरह खुद को छुड़ाकर और चिल्लाते हुए जब घर भागता है और घर वालों को इसकी सूचना देता है। बच्चे से कार सवार की हरकतों की जानकारी पड़ते ही भीड़ मौके पर एकत्रित हो जाती है और उसकी हरकतों के बारे में जब उससे पूछती है तो युवक माफ़ी मांगने लगता है। इस घटना को देखते ही भीड़ आकर्षित हो जाती है और उसे पहले जमकर पीटती है, फिर उसे कार में बैठाकर कार में आग लगा देती है। हालांकि आरोपी बाहर निकल आता है, फिर उसे जो आक्रोशित भीड़ है सड़क पर पटक पटक कर मारने लगती है। कुछ लोग पुलिस को इसके बारे में सूचना देते हैं, पुलिस मौके पर पहुंचती है और भीड़ के गुस्से से आरोपी को छुड़ा लेती है। गुस्साई भीड़ ने कार में सवार युवक को जिंदा जलाने की कोशिश की, हालांकि पुलिस ने उसे मौके पर बचा लिया, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती है तब तक कार पूरी तरह चलकर राख में तब्दील हो जाती है। गुस्साई भीड़ ने आरोपी की कार में आग लगा दी थी, हालांकि आरोपी को भी सड़क पर पटक पटक कर खूब मारा। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो बताया कि उसका नाम नसीर अहमद है, जो कि रामपुर जिले के टाडा का रहने वाला है। पीड़ित बच्चे के पिता ने बताया कि आरोपी इलाके में कई दिनों से बुरका पहनकर घूम रहा था, कई लोगों को उस पर शक था। हालांकि बुरके में होने की वजह से किसी ने नकाब उठाकर उसका चेहरा देखने की कोशिश नहीं की थी। इस आरोपी का मकसद केवल बच्चों को अपहरण करना था। आपको बताना चाहिए, यहां पर एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि भीड़ ने आरोपी की कार में आग लगा दी है। फायर ब्रिगेड ने कार की आग को बुझाने की कोशिश की है, लेकिन कार तब तक राख में तब्दील हो गई थी। इस समय आरोपी से पूछताछ की जा रही है और जल्दी इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखते रहेंगे ताज़ा खबरें, बने रहिए S24 न्यूज़ के साथ।